नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सन 2014 के बाद यूं ही नहीं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी जीत उसके कार्यकर्ता हैं। दोस्तों, सामाजिक न्याय सप्ताह भाजपा मना रही है और मंडल मंडल में निशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक नजारा राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे के पास सुजानपुरा चौराहे पर स्थित गुरुद्वारे में देखने को मिला, जहां भाजयुमो कैंट के अध्यक्ष रतनेश मिश्रा ने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, मरीज आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक तमाम जांचें की गई और बहुत सारी दवाइयां भी निशुल्क बांटी गई। तो पहले तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि कौन कौन से चेकअप्स हुए, कौन कौन सी दवाई दी गई, और बात करेंगे बाबू कुंज विहारी वार्ड निवासी भाजपा के युवा नेता रतनेश मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, आज यहाँ गुरुद्वारे में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, क्या क्या सुविधा यहाँ दी जा रही है, कौन कौन से चेकअप्स हो रहे हैं? जी गुरमीत, मैं डॉक्टर प्रीति मेहरोरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजाद नगर से यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी इस क्षेत्र के गरीब लोग हैं, जिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनके यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगाया गया है। वहाँ पर अपने सब तरह की जाँच, स्वास्थ्य की जाँच करा सकते हैं, जिसमें कि शुगर टेस्ट है, बुखार की जाँचें हैं, खून की कमी की जाँचें हैं और ब्लड प्रेशर की जाँचें हैं। ये सब जाँचें यहाँ निःशुल्क हैं और उस और उन लोगों के लिए यहाँ पर दवाओं के निःशुल्क वितरण की सुविधा भी है। वो अपने यहाँ पे आके स्वास्थ्य पूरा चेकअप करा सकते हैं और जो भी हमारे सुविधाएं दे रहे हैं वो अपना निःशुल्क ले सकते हैं। मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, आज इस कैंप का आयोजन किया गया है। संगठन निर्देशानुसार हम लोग को कैंप के बारे में बताया गया है कि जितने भी हमारे सामाजिक व्यक्ति हों, जितने भी निशेष जो सुविधा का लाभ ना ले पा रहे हों, मेडिकल सुविधा का लाभ जिस प्रकार से ना ले पा रहे हैं, इस कैंप का आयोजन करने का मकसद यही था कि घर घर तक हम लोग का जो दवा है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उन तक पहुंच पाए। और दोस्तों, शिविर समाप्त होने के बाद आजाद नगर सीएचसी की अधीक्षिका डॉक्टर प्रीति मल्होत्रा ने बताया कि लगभग 50 मरीज ऐसे थे जिनकी तमाम तरीके की जांचें की गई और निशुल्क दवाएं उनको दी गई।